तो क्वेश्चन नंबर फाइव का फाइव है, जिसके अंदर आपको LHS मैंने लिखा है cos a माइनस साइन ए प्लस वन cos a प्लस साइन ए वन, आपको ये प्रूव करना है। आपको हिंट में भी दिया हुआ है कि आपको cosx² = 1 cos² आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। तो मैं पहले ये पूरे टर्म को साइन से डिवाइड कर दूंगा, यानी cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, उस तरह से नीचे वाला भी पूरे टर्म डिवाइड करूंगा। तो कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए एंड वन अपॉन साइन ए, तो क्या आएगा? देखो कॉस अपॉन साइन यानी कॉट ए माइनस वन प्लस वन अपॉन यानी कॉस ए आएगा। नीचे क्या आएगा? कॉस अपॉन साइन, तो क्या आएगा? कॉट ए प्लस वन और माइनस कॉस ए आएगा, बराबर है कि नहीं? अब आगे हम क्या करेंगे उसके अंदर, आपको क्या सिंप्लीफाई करना है उसके अंदर। तो साइन और कॉस का कन्वर्जन करना है आपको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे उसके अंदर, देखो। तो जो चीज आपको चाहिए वही चीज आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, बराबर है। कौन सी चीज चाहिए आपको? cos a और cot a चाहिए, तो मैं दोनों के अंदर cos a और cot a मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये तो एक आपका पूरा टर्म था, और मल्टीप्लीकेशन में cos a प्लस cot a ले लेंगे, तो नीचे भी वही मल्टीप्लीकेशन किया cos a प्लस cot a कर दिया। अब इसका मतलब का आपको यह रखना है, तो ये चीज रखनी है, इन दोनों को साथ में मिला देना है, दोनों के साथ में आपने मल्टीप्लीकेशन कर दिया है तो और नीचे आपको क्या है, पूरा टर्म ले लेना है साथ में। तो cos a cot a और वन है बराबर इधर, तो इन दोनों को साथ में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर का टर्म लिखते हैं हम cot a माइनस वन प्लस cos a, इधर लिखता हूं cos a प्लस cot a, नीचे का पूरा साथ में। तो अब साथ में लिखेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, a cos a के साथ ये cos और इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन और वन के साथ में उसका मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। देखो तो इधर ये दोनों साथ में तब मैं लिख सकता हूं, इस नीचे का क्या लिखता हूं मैं cot a माइनस cos a के, और क्या लिखता हूं प्लस वन, ये साथ में लिखा, और साथ में लिखता हूं cos a प्लस cot a। ऊपर वाले टर्म को तो वही का वही रखना है, लेकिन उसमें cot और cos a को साथ में लिखता हूं, तो अब क्या लिखता हूं वहां cot a cos a, ये और ये साथ में लिखा और माइनस वन, अब ये तो वही का वही है। तो मैं लास्ट में इधर जब देखा था कि cot a प्लस cos a माइनस cos a प्लस cot a, इधर देखो इन साथ में ले लिया है उसका, तो ऊपर वाला टर्म तो वैसे का वैसे लिखना है cot a प्लस cos a माइनस वन और cos a प्लस cot a। देखो अब नीचे क्या होगा, तो ये साथ में लिखता हूं, कुछ नया होता है, मैं इसे दूसरी बॉल पेन से लिखता हूं। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, तो इधर लिख सकता हूं cot स्क्वायर a माइनस cos x स्क्वायर a, जबकि प्लस वन, वन के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन उस वही का वही होगा sec a प्लस cot a। अब ऊपर वाले टर्म को कुछ चेंज करना नहीं है, नीचे वाले में कुछ करना है, तो क्या आएगा देखो, नीचे वाले का बताता हूं। अपने पास फॉर्मूला है cos x स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू वन, लेकिन वन को उस साइड लाया तो माइनस वन हुआ, कॉट को उस साइड ले गया तो कॉट स्क्वायर ए प्लस हो गया और कॉस एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, तो
इसकी जगह पे माइनस एक्स लिख सकता हूँ, तो ऐसे नीचे लिखा है तो उसकी जगह पे मैं माइनस वन लिखूंगा। ऊपर वाला टर्म तो वैसे का वैसे है, कॉट ए कॉसेक ए माइनस वन, और इधर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जबकि नीचे वाला तो नीचे क्या करता हूं, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन लिखता हूं। तो माइनस वन प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब देखो क्या होता है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, ऊपर वाला टर्म तो वैसे का वैसे ही है, कॉस ए प्लस कॉट ए, जबकि नीचे वाला टर्म में देखो अब इसके जैसे बना देता हूं, पहले कॉट लिखता हूं तो कॉट ए, बाद में प्लस कॉसेक लिखता हूं और माइनस वन को लास्ट में लिखता हूं, तो ये वाला और ये वाला टर्म कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिलेगा, और ये आपका क्या हो गया, आर एच लेफ्ट आर एच एस हो गया, तो एल एच एस इज इक्वल टू आपको आर एच एस मिल गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर फाइव का, क्वेश्चन नंबर फाइव का सिक्स नंबर है, वन प्लस साइन डिवाइड बाय वन माइनस साइन अंडर रूट है, तो मैं क्या करता हूं, वन माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, पहले लेता हूं एल एच एस इज इक्वल टू वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं वन प्लस साइन ए से, और नीचे वन प्लस साइन ए बराबर, तो देखो दो बार आया यानी वन प्लस साइन ए, और नीचे क्या हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायरिंग का अंडर रूट, तो वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर ए उसका अंडर, दोनों का अंडर रूट एक साथ में निकालेंगे, तो इधर क्या आएगा वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। अब देखो स्क्वायर है और अंडर रूट निकल जाएगा, इधर भी स्क्वायर है तो अंडर रूट निकल जाएगा, आएगा क्या वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो वो मैं इधर लिख देता हूं, वन अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, और दूसरे में साइन ए अपॉन कॉस लिख सकता हूं, तो वन अपॉन कॉस ए तो जिसको हम सेक ए बोल सकते हैं, और साइन ए अपॉन तो टेन ए, तो ये अपना आर एच एस आ गए, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। अब देखते हैं आगे सेवन नंबर वाला, सेवन नंबर में क्या है, तो साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो एल एच एस साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अगर मैंने कॉमन निकाला तो बचा क्या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है कि नहीं, जबकि इधर भी मैंने कॉस कॉमन निकाला कॉस थीटा, तो क्या बचा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो देखो साइन थीटा को वैसे का वैसे रखते और वन की जगह पे क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा,
वन की जगह पे ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो वही लिख दिया। जबकि नीचे भी कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये बार माइनस है इसीलिए अगर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तब ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया। तो अब क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में से ये जाएगा ना टू में से, तो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा में से वन गया तो बचा वन साइन स्क्वायर थीटा, नीचे टू कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा सॉरी कॉस थीटा यानी टेन थीटा, तो ये आ गया आर एच एस, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो एक्सरसाइज फाइव का ये था जिसमें साइन ए प्लस कॉसेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए प्लस सेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा, तो ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला, तो इधर साइन स्क्वायर टू साइन इन टू कॉसेक ए और कॉसेक ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए टू कॉस इंटू सेक ए और सेक स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को दोनों को साथ में ला दिया, टू साइन ए और कॉसेक की जगह पे मैंने क्या लिखा, ये कॉसेक की जगह पे लिखा साइन ए वन अपॉन साइन ए, फिर कॉसेक स्क्वायर की जगह पे लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर ए इसकी जगह पे, कॉस स्क्वायर को आगे कराया जाए टू इंटू कॉस ए, सेक की जगह पे वन अपॉन कॉस ए प्लस और ये सेक्शंस की जगह पे वन प्लस टेन कॉट स्क्वायर लिखा, तो साइन और कॉस स्क्वायर तो वन हो गया, वन ऊपर नीचे साइन कर गया तो टू मिला, ये वन का वन तो था, टेन स्क्वायर है तो ये टेन स्क्वायर है, ये कॉस कॉस कट गया तो टू मिला, ये वन है तो वो वन है और कॉट स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर है, तो टू प्लस वन थ्री और वन फोर और टू सिक्स और सेवन, तो सेवन टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो आर एच एस मिल गया, तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गए। तो एक्सरसाइज फाइव का नाइन नंबर है जिसके अंदर कॉस ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए इंटू कॉट ए, दोनों को आपको सेपरेटली करना है ऐसा हिंट में दिया है, तो मैं पहले इधर एल एच एस ढूंढता हूं, कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो कॉसेक क्या है, कॉसेक टू वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट पहले हो गया और ये दूसरे के अंदर sec a माइनस cos a, उसमें भी ऐसा करते sec यानी वन अपॉन cos a माइनस cos a, तो देखो sin का LCM रहेगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इधर cos रहेगा तो वन माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन cos a, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए तो वो cos स्क्वायर ए हो गया अपॉन साइन ए, और इधर वन माइनस कॉस स्क्वायर तो वो हो गया साइन, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो देखो कॉस ए इंटू कॉस ए दो बार हो गया, साइन ए इंटू साइन ए स्क्वायर है तो दो बार हो गया, नीचे साइन ए इंटू कॉस ए हो गया तो साइन साइन कट गया कॉस कॉस कट गया, मुझे बचा क्या साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखते हैं आर एच एस,
तो आपको दिया है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो 1 अपॉन टेन का क्या होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट का क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन ए, बराबर है। इधर एलसीएम लेते हैं तो साइन इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे एलसीएम तो साइन का एलसीएम लेते साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे ये ऊपर चला जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे क्या आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू वन होती है तो साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय वन, वन को लिखो कि नहीं लिखो तो साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये देखो LHS और RHS दोनों की सेम वैल्यू है तो आप बोल सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। अब एक्सरसाइज 8.4 के अंदर क्वेश्चन 5 है, उसका लास्ट एग्जांपल है 10, जिसमें इस ये इक्वल टू ये प्रूव करना है और दूसरे इक्वल टू भी ये प्रूव करना है। तो पहला ये देखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे ब्रैकेट में तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो वो अपना हो गया sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए हो गया, नीचे वाला 1 प्लस cot स्क्वायर। अब sec स्क्वायर यानी क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा ऊपर का नीचे आएगा यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो आपको मिल गया आंसर टेन स्क्वायर ए जो ये लाना है। अब सेकंड देखते हैं 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो पहले इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते फिर देखते। तो 1 माइनस 10 का क्या होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और उसका होल स्क्वायर, तो इधर कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए एलसीएम लिया, नीचे साइन ए एलसीएम आएगा तो साइन इधर जाएगा तो साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए और उसका होल स्क्वायर। अब कॉस वाला साइन के नीचे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया होगा साइन वाला ऊपर के साथ, तो क्या आएगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, जबकि ये कॉस नीचे चला गया तो कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, याद है। अब क्या करते हैं उसका स्क्वेयरिंग है ना, तो उसका स्क्वेयर तो इधर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए और इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो इधर कॉस और साइन को सिंप्लीफाई करते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इधर से माइनस साइन कॉमन निकाल दिए तो साइन माइनस होगा कॉस प्लस होगा, और माइनस साइन कॉमन निकालोगे स्क्वेयरिंग है तो माइनस साइन का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, वो डायरेक्टली भी ये कट जाए वो भी मैं बताता हूं, पहले उसको ही सिंप्लीफाई करते हैं। ए माइनस बी वाला कॉमन होगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे तो कॉस स्क्वायर ए है जबकि ये वाला है दोनों टर्म उसको, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए पहले लिखता हूं
कॉस ए लिखता हूं और साइन स्क्वायर ए लिखता हूं, जबकि नीचे साइन है तो साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले दो टर्म है दोनों इक्वल ही, कॉस स्क्वायर तो प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर तो प्लस साइन स्क्वायर, माइनस टू साइन कॉस फोर, तो ये दोनों तो पूरे कट जाएंगे, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो आ गया टेन स्क्वायर ए, तो ये हो गया बराबर। अगर आपको इधर से ये लंबा चौड़ा नहीं करना है तो मैं इधर से ही बताता हूँ, ये स्टेप से ही आपको बताता हूँ, कौन सा तो ये वाले स्टेप से एक्स्ट्रा में बताता हूँ, अगर ये वाले स्टेप से मैं कैसे कर सकता हूँ तो वो बताता हूँ। तो क्या करना है आपको, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो है, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, जबकि साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। अब देखो मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं ऊपर, बराबर ऊपर में से माइनस साइन निकालूंगा लेकिन उसका स्क्वायर है तो दो बार माइनस आएगी, और माइनस माइनस दो बार बाहर निकलगी, या आप ऐसा सोचो कि माइनस वन निकालूंगा, इसके अंदर से मैंने माइनस वन बाहर निकाला तो माइनस वन का स्क्वायर आएगा कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो अंदर क्या होगा, अगर माइनस वाला निकाला तो अंदर की साइन चेंज होगी, यानी साइन है वो माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया, और कॉस क्या हो गया माइनस हो गया, इस तरह से आप बोल सकते हो नीचे कॉस स्क्वायर है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। तो देखो ये दोनों टर्म सेम है कि नहीं, तो ये दोनों कट जाएगी, अब माइनस का स्क्वायर तो वो तो प्लस ही होगा ना, बराबर है कि नहीं, तो आपको लिखना क्या है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ही बचेगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस वन हो गया, वो मल्टीप्लाई में वही का वही गया, तो ये आ गया आपका टेन स्क्वायर ए, तो इस तरह से भी प्रूव हो गया। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स है, हाँ सिंप्लीफिकेशन तो बहुत सारे रूप से होता है। तो इधर अपनी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है।